आपको एक स्टोरी सुनाने जा रहा हूँ। स्टोरी ये है कि मैं यहाँ पे मॉल जा रहा था, तो मैंने एक स्नैप ऑर्डर की। जो स्नैप का ड्राइवर था वो बहुत अच्छा इंसान था। फिर वो कब वापस जब मैं आ रहा था, मैंने कहा कि तुम मेरे साथ घूम जाओगे ज़ारत के लिए, तो उसने कहा हाँ मैं जाऊँगा। मैंने उससे डिसाइड किया कितने पैसे लगेंगे। फिर ये हुआ कि उसने कहा मैं अपनी बीवी को भी साथ लेके चलूँ। मैं अब कोई मसला नहीं है, अच्छी बात है, क्योंकि यहाँ पे तो रिस्ट्रिक्शन थी। हुआ है कि उसके बाद उसमें इतनी अच्छी दोस्ती हो गई और बहुत अच्छा इंसान है। मसला ये कि मुझे फारसी नहीं आती है, उसको उर्दू इंग्लिश नहीं आती है, लेकिन ये कि आप गूगल ट्रांसलेट जो है सबसे बेहतरीन चीज़ है, उससे हम आपस में कम्युनिकेट कर रहे हैं। मैं आपसे मिलवाता हुआ ये कि जो मियाँ बीवी हैं बहुत अच्छे, उन्होंने इन्वाइट किया घर पर अपने, लेकिन टाइम की कमी की वजह से मैं उनके घर नहीं जा सका। और मैंने उनसे कहा कि तुम होटल आ जाओ, होटल वो खाना लेके आए मेरे लिए, पहले मैं आपको खाना दिखाता हूँ, उसके बाद उनसे मिलवाता हूँ। आ जाए, ये देख, ये चावल है, चावल के साथ ये चिकन है, ये सूप है, और ये देख ये ज़बरदस्त सालन। ये सालन है कि ये पालक गोश्त की तरह है, जैसे पालक गोश्त होता है, वो इतना मज़ेदार लजीज लग रहा है खाने में। सैलेड है, और ये है मेरे दोस्त मोहसिन। मोहसिन थैंक यू वेरी मच, शुक्रान। خواهش میکنم، قابل نداشت، خیلی خوشحال شدیم که اومدید، انشالله سال بعد یک منزل ما، انشالله انشالله. اتنی اچھے لوگ ہیں یہاں پہ، اتنی مہمان نوازی ہے، زبردست. اور کیا چاہیے، خاص طور پہ ویڈیو بنا رہا ہوں کہ خلوص دیکھیں یہاں پہ لوگ. به ایران اومدید، ایران انتخاب کردید، خیلی خیلی ممنونم، خیلی خوش اومدید. امیدوارم که بهتون خوش گذشته باشه و بهترینا رو واسهتون بخوایم. اینم که یه توبه بود ناقابل، یه سوغاتی کوچیک، ولی ان شاء الله سال بعد دیگه هتل نه، بیا اینجا هتل منو نفس. سیستر اینو اند سیستر این بچه‌ها خواست مای گیر دوباره بیاین ایران و ما خیلی خوشحال میشیم، حتما بیاین خونه ما. Thank you. For this thank you very much. یه small ویدیو تھی اور بہت خوش ہوں، بہت مزے کا کھانا ہے، زلفائی تو یما اسیر حلقه زلفا، زلفائی تو یما نفس جو عاشق و شیدا، شهر تهران میں موجود ہوں، خریداری ناز و ادا، ادای تو یما خریداری ناز و ادا. तेहरान के एक डोमेस्टिक एयरपोर्ट पे मौजूद हूँ। यहाँ पर दो एयरपोर्ट हैं, एक इमाम खुमैनी इंटरनेशनल एयरपोर्ट जो इंटरनेशनल फ्लाइट्स के लिए, और एक सिटी में तकबर सिटी में एक एयरपोर्ट बना हुआ है जहाँ पे मैं अभी मौजूद हूँ और मैं फ्लाई कर रहा हूँ तेहरान टू मशहद। मैंने जो फ्लाइट ली है वो अता एयर है, और उसके टिकट हमको मिला है $40 to $50 तक, जो कि तेहरान एयरपोर्ट से मुझे मशहद एयरपोर्ट तक फ्लाइट पहुंचा देगी। मैं आपको लेके जा रहा हूँ सेकेंड लार्जेस्ट सिटी ऑफ इरान मशहद। आ जाए मेरे साथ इस सफर में। लबाई तो यमा नफस जो आशिक व शहीदा, शहीदाई तो यमा खरीदारी नज़ो अदा, अदाई तो यमा खरीदारी नज़ो अदा। वेलकम टू मशहद, हम मशहद पहुंच चुके हैं। अच्छा जर्नी था, तकरीबन टोटल जर्नी जो था वो 1 घंटा 10-15 मिनट का था, और ज़बरदस्त तरीके से जहाज़ लेके आए, इनकी लोकल एयरलाइन है, ईरानी एयरलाइन है अता एयरलाइन, उससे मैं यहाँ पे आया हूँ मशहद में। मशहद एयरपोर्ट से अभी बाहर निकला हूँ मैं, हमने एक टैक्सी की है। यहाँ पर स्नैप के नाम से एक ऐप है, जैसे ऊबर और कैरी होती है वैसे ही ऐप है। ये एयरपोर्ट से हमको लेके जाएगा, ज़्यादा दूर नहीं है, 2.5-3 किलोमीटर्स है ये, तकरीबन 16-17 हज़ार तुमान में हम जाएंगे यहाँ से। और 16-17 हज़ार तुमान कितना होता है मैं बता दूँ आपको, 16-17 हज़ार तुमान 200-300 रुपये होते हैं। तो पब्लिक ट्रांसपोर्ट अगर टैक्सी वगैरह देखा है तो कोई महंगी नहीं है, यहाँ पे मुनासिब कीमत है। लेकिन ऐप से ये है कि आपको कोई डर नहीं रहता है कि जो टैक्सी वाले रोड से गुजर रहे होते हैं तो उनसे थोड़ा सा मुझे प्रॉब्लम होती है, क्योंकि वो प्राइस कुछ कहते हैं और बाद में जाके पता चलता है कि वो ज़्यादा पैसे मांग रहे हैं। इस वजह से ये बेहतरीन ऐप है, अगर आप ईरान आएंगे तेहरान मशहद दोनों जगह आप ये ऐप यूज़ कर सकते हैं। बची दिल बे दिली
ड्राइवर हैं। व्हाट इज योर नेम? इस्म महदी। महदी नाम है इनका। मसला ये है कि मुझे फारसी आती नहीं है, इनको उर्दू नहीं आती है। स्पीक गुफ्तम फारसी अरबी? अरबी, माशाल्लाह। थोड़ा थोड़ा मैं भी अंटकीशन मार रहा हूँ यहाँ पर, लेकिन काम चल रहा है, कोई मसला नहीं है। चूँकि लेकिन फारसी जो है, फारसी बहुत उर्दू से मिलती जुलती ज़ुबान है, तो बहुत अल्फाज ऐसे हैं कि आपको सिमिलर लगेंगे उर्दू से बोल चाल में। लिखने में ज़ाहिर है वो उर्दू की तरह लिखी जाती है, तो वो सबसे बड़ा एडवांटेज है कि आप आराम से पढ़ सकते हैं। लेकिन नंबरिंग यहाँ पे हर चीज़ जो है वो फारसी में, जो ऐप्स है, जो फूड आप ऑर्डर करते हैं, टैक्सी ऑर्डर करते हैं, वो सब जो है वो फारसी में है। लेकिन आपको अंदाज़ा लगाना पड़ता है कि भाई हाँ ये लिखा हुआ है, इसका ये मतलब है, तो आप गैस पे चलते हैं पूरा। लेकिन ये एक अच्छी बात है कि पैसे वगैरह सब कुछ लिखा हुआ होता है ऐप्स पे, इतने पैसे में इतनी चीज़ आ गई है। उर्दू में आपको अगर हिंदी लिखनी आती है, अरबिक में वैसी लिखी आती है। हाँ, मज़े की बात है कि डेट्स भी इधर चेंज होती है। इधर जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल नहीं चल रहा होता है, इधर इनकी अपनी डेट्स हैं। ईरानी कैलेंडर अलग है, उसके हिसाब से डेट्स होती हैं। 5,000 का नोट दे रहा हूँ, 1600-1700 बने, लेकिन 2,000 इस ओके, इस ओके, ओके। सलाम सलाम वालेकुम। थैंक यू वेरी मच। जैसी बॉडी अब देखिए आप, इमाम रजा का रोज़ा जो है वो सामने से नजर आ रहा है। ये मेन रोड है, सीधा लीड करता है इमाम रजा अलैहिस्सलाम के रोज़े की तरफ।